सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहा है जो बहुत ही मोस्ट कॉमन टॉपिक, लूज मोशन। लूज मोशन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, ये GIT है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये यहाँ पे ऑसोफेगस है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ये ऑसोफेगस के बाद ये स्टमक में फूड आता है, तब फूड स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूस इस फूड को क्या करता है ना, डाइजेस्ट करता है। फिर ये फूड जो होता है ना, ये ड्यूओडेनम से होते हुए जेजुनम और इलियम में आता है। तो यहाँ भी क्या होता है ना कि ड्यूओडेनम में भी बाइल आता है, पैंक्रियाटिक जूस है, ये जूस बनता आता है वहाँ पे, सबकस इंटरकस है जो इंटेस्टाइन से बनता है, तब जाकर के फूड का डाइजेशन होता है। और जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो ब्रेक होते जाता है ना, वो फिर ऑब्जर्व भी होते जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। उसके बाद ये सब जो अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस और अनऑब्जर्व सब्सटेंस कोलोन में आता है, फिर कोलोन में यहाँ पर कुछ नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है जो इस मटेरियल को फिर फिकस मटेरियल में चेंज करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आके स्टोर होता है रेक्टम में, और रेक्टम में आने के बाद एक प्रेशर क्रिएट होती है जो लगभग 30 mm से लेकर और 45 mm तक प्रेशर बनता है, फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सब प्रोसेस कैसे होता है? ये सारी प्रोसेस होता है एक मूवमेंट से जो अपने आप होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर बाय द वे ज़्यादा फास्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ना डाइजेशन प्रॉपर होगा, ना अब्जॉर्प्शन होगा, और वह क्या हो जाएगा ना, और वाटर भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, और वह सब क्या होगा, वह स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाता है, पानी अब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से, और उस केस में स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है, जिसको कंस्टिपेशन बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर लूज मोशन के बारे में बात करते हैं। तो इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ पर जो वाटर है, या फिर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, या अनऑब्जर्व सब्सटेंस है, वह सब क्या होता है, स्टूल के माध्यम से बाहर आता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, लूज मोशन कहते हैं। लूज मोशन दो वेराइटीज का होता है, एक होता है डायरिया और दूसरा होता है डिसेंट्री। डायरिया और दूसरा होता है डिसेंट्री, दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं हम लोग। डायरिया और डिसेंट्री में क्या अंतर है? डायरिया और डिसेंट्री दोनों लूज मोशन ही होती है। डायरिया में लूज मोशन है, डिसेंट्री में भी लूज मोशन होती है। अब ये फर्क यही है कि डिसेंट्री में दो चीज एक्स्ट्रा पास करता है, एक म्यूकस और एक ब्लड, है ना। डायरिया और ये दोनों में लूज मोशन होता है। तो डायरिया क्या, डायरिया में अगर म्यूकस ब्लड आ गया तो उसको डिसेंट्री कहते हैं, है ना। डायरिया में अगर म्यूकस ब्लड आ जाता है तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। तो आखिर ये है कहाँ का डिजीज, ये भी देख लेते हैं। डायरिया मेनली जो डिजीज होती है वह स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज है। डायरिया मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज है और डिसेंट्री कोलोन का डिजीज है। डिसेंट्री कोलोन का पहला अंतर है। तो डायरिया वहीं पे होती है जहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और डिसेंट्री वहां पे होता है जहां लगभग डाइजेशन हो चुका होता है। तो इसका मतलब कि डायरिया में फीकल मटेरियल बहुत कम होता है, फूड मटेरियल ज्यादा मिलेगा, वाटर ज्यादा मिलता है, यानी कि डायरिया में वाटर क्वांटिटी और फूड मटेरियल ज्यादा होती है, और स्टूल जो डिसेंट्री में वाटर का क्वांटिटी कम होती है और इसमें फीकल मटेरियल मिलता है। इतना तो सबको मालूम चल गया कि डायरिया में म्यूकस ब्लड नहीं होती है, डिसेंट्री में म्यूकस ब्लड होता है, क्योंकि डायरिया में तो पहले डिफरेंस बता दिए इसको। तो डायरिया में जो होती है ना, फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सब स्टूल से पास कर जाता है। लेकिन डिसेंट्री में क्या होता है, कम से कम बहुत सारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऑब्जर्व हो जाता है। डायरिया में जो म्यूकस जो यहाँ का सेल होता है वो डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है। म्यूकस सेल का लाइनिंग जो होती है ना, इंटेस्टाइन का म्यूकस सेल लाइनिंग बहुत कम डिस्ट्रक्शन होती है। डिसेंट्री में तो म्यूकस सेल डिस्टर्ब भी होता है, ब्लड भी डिस्टर्ब निकलता है वहां से, और साथ साथ परफोरेशन तक हो जाता है, अल्सर हो जाता है डिसेंट्री में। डायरिया में नहीं होता ऐसा, डायरिया में तो सिर्फ पानी निकलते रहेगा, पानी निकलते रहेगा। नेक्स्ट बात है, डायरिया में
अब्डोमिनल पेन होता है लेकिन बहुत कम होता है। डिसेंट्री में अब्डोमिनल पेन ज्यादा होता है। डायरिया में रेक्टल पेन नहीं होता है, जो कि डिसेंट्री में रेक्टल पेन होता है। डायरिया में जो स्टूल का क्वांटिटी होता है ज्यादा होता है, और डिसेंट्री में स्टूल का क्वांटिटी कम होता है। डायरिया में जो डिफिकेशन सेंसेशन बहुत कम होता है, लगता है कि पैखाना जाना चाहिए और पैखाना ज्यादा होता है। डिसेंट्री में डिफिकेशन सेंसेशन हाई होता है और पैखाना बहुत कम होता है, स्टूल का क्वांटिटी बहुत कम होता है। यानी डायरिया से डिसेंट्री अपोजिट होता है सेंसेशन में। डायरिया में वोमिटिंग भी होता है, डिसेंट्री में वोमिटिंग नहीं होता है। डायरिया में वोमिटिंग फ्लेचुलेंस होता है, गैस बनता है, ब्लोटिंग होती है, डिसेंट्री में फ्लेचुलेंस नहीं होता है। ये भी याद रखना जरूरी है। डायरिया दरे बता दिए कि इसका जो क्वांटिटी है डायरिया का, स्टूल का क्वांटिटी ज्यादा होता है। डायरिया में बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज्यादा होता है, सोडियम पोटासियम दोनों लॉस करता है। डिसेंट्री में सोडियम लॉस करता है, पोटासियम मेंटेन रहता है। सोडियम ज्यादा लॉस करता है, सोडियम लॉस कर सकता है। और डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट की लॉस बहुत ज्यादा होता है, डिसेंट्री में उतना लॉस नहीं होती है। डायरिया एक्यूट फेज में मिलती है, जो कि डिसेंट्री क्रोनिक फेज में होता है। डायरिया का मरीज ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन डिसेंट्री का मरीज साल साल दो दो साल तक हो सकता है। तो डायरिया एक्यूट होती है और डिसेंट्री दोनों होता है, एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। डायरिया में इंटेस्टाइन में परफोरेशन नहीं होता है, जो कि डिसेंट्री में इंटेस्टाइन में अल्सर परफोरेशन दोनों हो जाता है। डायरिया में एनीमिया जो होता नहीं होती है, जो डिसेंट्री में एनीमिया के चांसेस ज्यादा होता है। डायरिया का कॉज ज्यादातर कॉज मिलता है, जैसे ओवर डाइट हो गया, बाइल साल का सिंथेसिस ज्यादा हो गया, लीवर डिजॉर्डर्स हो गया, जियार्डिया लेमलिया का इन्फेक्शन है, कोलोरा का इन्फेक्शन है, रोटा वायरस का इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है, ये सबसे क्या होता है डायरिया। डिसेंट्री का कॉज क्या है, जैसे एंटम्बा हिस्टोलिट का, सीजेला बैक्टीरिया या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सबसे क्या होता है डिसेंट्री होती है। तो डायरिया डिसेंट्री दोनों समझ में आ गया आपको। डायरिया का मरीज में जो होता है ना, कोलैप्स होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। डिसेंट्री में जो होता है वो पेशेंट परेशान ज्यादा हो जाता है, स्टूल का सेंसेशन हर समय लगा रहता है उसको। डायरिया में जो स्टूल का कलर होता है ना, ग्रीनिश या येलोइश, लेकिन वही अगर चलेंगे डिसेंट्री में स्टूल का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइटिश, रेडिश, ऐसा होता है किसमें, डायरिया डिसेंट्री के केस में। अगर बात करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन में, तो दोनों में आरई ऑफ स्टूल कराते हैं, रूटीन ऑपरेशन पर स्टूल कराएंगे, तो उसमें क्या कराएंगे, डायरिया में क्या फाइंडिंग होती है, पैरासाइट में जियार्डिया मिलेगा या फिर फंगस मिलेंगे, और फूड पार्टिकल्स मिलता है अंडर से फूड पार्टिकल्स, और वही डिसेंट्री में म्यूकस मिलेगा, ब्लड मिलेगा, एंटोहिस्टोलाइट का मिलता है, सीजेला बैक्टीरिया मिलता है। डायरिया का मैनेजमेंट, हमको डायरिया के डिसेंट्री दोनों मैनेजमेंट के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि आईवी फ्लूड कहाँ पे देना चाहिए। डायरिया में आईवी फ्लूड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसमें हमको पहले इलेक्ट्रोलाइट्स, एनएस नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, ये पहले देते हैं, या आरएल फी देते हैं, रिंगर लैक्टेट देते हैं। डिसेंट्री में उतना ज़्यादा जोत नहीं पड़ता है, डिसेंट्री में ज़्यादा जोत नहीं पड़ता आईवी की, क्योंकि डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस करता है, पानी ज़्यादा लॉस करता है। डिसेंट्री में हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मेडिसिन की जहाँ बात करते हैं, कॉज पे ध्यान देंगे, डायरिया किस वजह से हुई है। अगर रोटा वायरस है तो कोई दवा ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे रोटा वायरस के केस में क्या होता है, आईवी फ्लूड दीजिए, अपने ठीक हो जाएगी। फंगस का इन्फेक्शन है, इंटेरो जर्मिना बहुत अच्छी दवा होती है, उसको चलाते हैं उसमें। कोलोना वगैरह है, उसमें एंटीबायोटिक चलाते हैं। और अगर डिसेंट्री है, वहाँ पर एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन चलाते हैं या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चलाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा है। अगर डायरिया का पेशेंट है, उसमें हम लोग क्या चलाते हैं, एथुजा मर्क्सोल चलाते हैं, एथुजा चलाते हैं, सल्फर भी देते हैं इसमें, नक्स भूमिका है, कार्बोफेज है। उसके बाद कभी कभी अगर जरूरत पड़ता है तो पोडोफाइलम भी चलाते हैं। यही चीज़ अगर हमको डिसेंट्री अगर क्या केस होता है तो उसमें हम क्या क्या चलाते हैं, वहाँ पर हम लोग कैमोमिला चलाते हैं, एथुजा भी देते हैं, वहाँ पर मॉक्सोल देते हैं, बोरेक्स देते हैं इसमें। इसके बाद
या अगर जो एक को नाइट भी चलाते हैं इसमें, इसके बाद थूजा देते हैं, उसका सीना देते हैं, चाइना देते हैं। देखिए जरूरत के हिसाब से जैसा केस होता है ना उसके अनुसार से हम लोग उसको दवा चलाते हैं। ये था आपका डायरिया डिसेंट्री में डिफरेंस, ये था लूज मोशन। बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।